आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर बहुत आता है कि सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के तरीके बताओ बिना दवाई के। तो आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा और कुछ कारण बताऊंगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम क्यों है। यदि आपने ये टिप्स अपना लिए और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं बताऊंगा इस वीडियो में, यदि आप ये तरीकों पर अमल कर लिया उन तरीकों पर, तो आप देखना आप बिना दवाइयों के आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे चैट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जब एक लड़का 13 साल से ऊपर क्रॉस करता है तो उसको दाढ़ी आती है, उसकी कदकाठी बनती है, उसकी आवाज़ भारी होती है, तो इसका मतलब चेंजेज आया है और उस चेंज का कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो उसका बढ़ता है 13-14 साल के बाद में। लेकिन यदि मैं आज समय की बात करूं, जितने भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं उनमें से मैं कहूँगा 99% जब ये कहते हैं सर मुझे शीघ्र पतन की समस्या है, जब ये कहते हैं सर मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, मेरे वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तो मैं उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूर चेक कराता हूँ। और मैं देखता क्या हूँ कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कम है। इसका मतलब कि यदि मेरे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं जो सेक्सुअल जितने भी बीमारी हैं इनके पेशेंट आ रहे हैं और सब में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। आज के समय जो यूथ हैं लड़कों में इस हार्मोन की कमी तो हो चुकी है, ये बात तो पक्की है। देखिए जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, जो मैं क्लिनिक से सीखता हूँ, जो आपसे मैं सीखता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वही मैं इन वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। देखिए यदि हम बात करें 30-40 साल पहले की, किसी का भी हार्मोन बहुत रेयर चांस थे कि किसी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम आता था। यदि मैं 30-40 साल पहले की बात करूं, यहाँ 20 साल पहले की बात करूं, किसी का नहीं था। एक स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आज मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ना कि दूसरे डॉक्टरों की, अपनी प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूं मैं। तो उनका देखिए कारण क्या आ रहा है, अब वो कारण भी मैं ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा कि मैंने क्या कारण देखा है, वही कारण मैं आपको डिस्कस करूंगा। और वही कारण आपको ढूंढना है कि आपको कौन सा कारण है और आपको वो कारण कैसे ठीक करना है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यदि आप अपने तरीके से ठीक करोगे तो ज़्यादा संभव है। आप यदि मेडिसिन के भरोसे रहोगे तो आप पूरी ज़िंदगी मेडिसिन के भरोसे रहोगे। मैं नहीं चाहता कि आप मेडिसिन के भरोसे रहो, आप खुद नेचुरल तरीके से इस हार्मोन को बढ़ा सकते हो और बहुत ईजी है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आती है डाइट। देखें यदि आपकी डाइट में विटामिन ए बी सी जे है, मिनरल है, तो आपको कुछ, देखें सबसे बड़ी बात रहे डाइट का, क्योंकि आज के टाइम जो जितने भी यूथ हैं वो कहाँ भाग रहा है, जितना भी जंक फूड है उसकी तरफ भाग रहा है, वो जितना भी जंक फूड है डिब्बा बंद फूड है वो आपके हार्मोन को कम करता है। लेकिन जितने भी आप फल खा रहे हो या सलाद खा रहे हो, हरी सब्जी खा रहे हो, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उतना ही आपका हार्मोन, देखो आपको ये चीज़ देखना है कि आपको जो मार्केट से तला हुआ मिल रहा है वो आपका हार्मोन लेवल कम करता है। लेकिन जो आपको हरी सब्जी फल सलाद ले रहे हो, जो गॉड गिफ्ट है, वो आपका हार्मोन लेवल बढ़ा रहा है। बस इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज से ही जितना भी तला भुना या ऑयली कोई भी खाना हो जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, स्पेशली मार्केट से बना हुआ, देखिए घर में बना हुआ आप खा लीजिए लेकिन मार्केट से बना हुआ बिल्कुल मत खाइए। मैं भी आपको बता रहा हूँ 20-30 साल पहले लोग कितना जंक फूड खाते थे या कितनी रेस्टोरेंट थे, कितने ढाबे थे इस तरह के, लेकिन आज एक गली में 4 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। यही सबसे बड़ा रोल है। यदि आपने अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लिया ना, आपको देखना आपका हार्मोन 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकेंड है आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका ओबेसिटी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। और फैट क्या करता है, हाँ आपको एक और बता दूं, जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं
वे ज़्यादातर ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं कि सर हमारा वेट बढ़ा हुआ है, फिर हमने चेक कराया हार्मोन कम मिला। तो यदि आप अपने वजन को कम करोगे, देखिए जितना फैट बढ़ेगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन यदि आपने अपना फैट कम कर लिया तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा। अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कीजिए, वजन बिल्कुल मत बढ़ने दीजिए, डेली रूटीन में कोई ना कोई आप एक्सरसाइज करते रहिए। ये मैं भी अपनी, देखिए मैं अपने पेशेंट को डाइट जरूर बताता हूँ कि आपको ये डाइट लेनी है। यदि उसका वजन बढ़ा हुआ है मैं कहता हूँ वजन कम करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, वजन कम करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन मुझे वजन कम चाहिए। नहीं तो आप जो मेरा कोर्स 3 महीने का है वो आप 6 महीने खाओगे, साल भर खाओगे, हो सकता है रिजल्ट कम आए। फिर आप कहोगे कि सर देखिए बहुत बार मेडिसिन का रिजल्ट कम आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि रिजल्ट कम क्यों आया, तो पता चलता है कि पेशेंट ने जो हमने तरीके बताए वे तरीके उसने अपना ही नहीं। तो यदि आप तरीके अपनाओगे तो हम चाहते हैं कि आप बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हो। सेकेंड हो गया कि आपकी ओबेसिटी। नेक्स्ट है नींद का आप समय पर नहीं ले रहे हो, इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। नींद का समय पर लेना, देखिए ज़्यादातर पेशेंट जो हार्मोन कम आ रहे हैं उनमें देखा है कि उनकी नाइट शिफ्ट होती है, रात के समय नाइट शिफ्ट हो रही है उनकी, क्योंकि जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सुबह के समय टेस्टिकल से रिलीज होता है। लेकिन जब आप, और हाँ रिलैक्स कंडीशन में जब आप प्रॉपर नींद में होगे, लेकिन यदि आप रात की शिफ्ट में हो, नींद आप नहीं ले पा रहे हो और उससे आपका स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है कि आपका हार्मोन जो निकलना चाहिए जितनी मात्रा में टेस्टिकल से वो नहीं निकलेगा, तो इससे क्या कि आपका हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है स्मोकिंग, यदि आप कर रहे हो ना तुरंत छोड़ दो, तुरंत अभी इसी वक्त। यदि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छी बनाना चाहते हो ना, किसी भी प्रकार का आप धूम्रपान कर रहे हो, चाहे बीड़ी हुक्का सिगरेट किसी भी तरह का आप ले रहे हो, एकदम बंद कर दो तुरंत, क्योंकि स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैंने खाली स्मोकिंग छोड़ने के बाद, मतलब पेशेंट को बताया कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, वे कहते सर दवाई नहीं खानी, तो मैं पूछा स्मोकिंग करते हो कि हाँ आप स्मोकिंग करिए, फिर 1 महीने बाद मुझे फ़ोन कीजिए। 1 महीने बाद कहते हैं सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया बिना दवाई के। देखिए बिना दवाई के आप ठीक होना चाहते, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ जो मैं पेशेंट को देखता हूँ। आप यदि आपने अभी स्टार्ट की है और आप चाहते हैं कि मेरी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो तो बंद कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको 100% मैं लिख के दे सकता हूँ यदि आप स्मोकिंग करते तो इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जरूर होगा। और यदि आप ड्रिंक करते हो, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ कि स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन से कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कैसे नपुंसकता आती है। तो मैं आपको शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लो, ये तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो। आप सोचते हो कि मैं कभी कभी लेता हूँ, कभी कभी भी आपको नहीं लेनी है। एक पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हो तो प्लीज़ मान लेना ये बात जरूर। हाँ नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेस लेते हो, देखिए जैसे आप स्ट्रेस लोगे तो एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ये आपका बढ़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कम हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखना। आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, मैं मानता हूँ कि आपका काम ऐसा है या कोरोना काल के बाद आप स्ट्रेस में हो गए, लेकिन कोशिश करें आप स्ट्रेस मत लें, निकल जाइए इस चिंता से, आपका सेक्स जीवन सफल हो जाएगा। जो मैं आपको बात बताई ना, यह बात गांठ बांध लीजिए और आप देखना 1 महीने से, 1 महीना मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, दिन नहीं, 1 महीना आप ये करके देखना। आप कोई दवाई नहीं लेनी है, आपको किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है। यदि आपके पास पैसा ज़्यादा भी है ना तो मैं कहूँगा उसको बचा के रखें, सिर्फ आपको थोड़ा सी प्रिवेंशन करनी है, थोड़ी सी केयर करनी है, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, बस ये काम करना है आपसे। जितनी आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लोगे 1 महीने के बाद आपकी बॉडी देखना। और हाँ ये मत सोचना ये 1 दिन का काम है, 1 महीना यदि आपने आज से काम की स्टार्ट किया है तो 1 महीना जरूर देना इसको, कोई तुरंत में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 1 महीने के बाद जरूर चमत्कार होगा। थोड़ी पेशेंस रखना,
थोड़ा धैर्य रखना और फिर देखना चमत्कार ही चमत्कार होगा। आई होप आपको समझ में आया होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गई होगी। और जाते जाते एक छोटी सी, अरे आपको वाकई देखिए, यदि आपको मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।